अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं हादिया हाशमी का एक सॉन्ग जिसमें उन्होंने ट्रिब्यूट करा है सोल्जर्स को, और उसका नाम है ए पुत्र हताते नई विकते। तो ये एक पंजाबी सॉन्ग होने वाला है क्योंकि वो टाइटल से ही लग रहा है। और हादिया हाशमी को इससे पहले हम लोग सुन चुके हैं और उसमें उन्होंने कितनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी। बोल हूँ वाला सॉन्ग सुना था हमने हादिया हाशमी का, और वो मैं सुनने के बाद हम लोगों को बस यही हुआ कि हमें और भी सॉन्ग सुनने चाहिए। तो अभी हम फिलहाल ये ट्रिब्यूट देखने वाले हैं कि इन्होंने वहाँ के सोल्जर्स को कैसे ट्रिब्यूट दिया और कैसा सॉन्ग होने वाला है। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट की होने वाली है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कितनी अच्छी थी, मतलब सिर्फ 2 मिनट और दो मिनट में उसने लोगों को रुला दिया। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और भी होगा इसके आगे सॉन्ग, या फिर इतना ही था शायद। हमें जो मिला, हमें तो खैर इतना ही मिला काफी ढूंढने के बाद भी, लेकिन 2 मिनट में अगर आपने किसी को रुला दिया है, इमोशनल कर दिया, मतलब आवाज में इतनी ज्यादा उसके इमोशन से कि सामने वाला जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया है। और ऑब्वियसली जो जितने भी मार्टर्स होंगे उनको याद करके उनकी फैमिली वाले वो तो इमोशनल हो ही जाएंगे, आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे किसी के। थोड़ा बहुत सॉन्ग जो है वो पंजाबी में था, हम लोगों को पंजाबी इतनी समझ में नहीं आती है, काफ़ी हमने कोशिश करी समझने की, बट ये है कि हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि कनेक्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम कहीं हद तक, काफ़ी हद तक हम कर भी पाए। थोड़ा बहुत समझ में आया था, हाँ शुरू का समझ में आया कि मतलब भुला के भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है, बट ये है कि पंजाबी जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती है समझ में भी और कुछ नहीं। तो थोड़ा बहुत ये है कि प्रॉब्लम हुई समझने में, बट स्टिल हालांकि इंडिया में भी बोली जाती है, कुछ कुछ रीजन में, खास करके पंजाब में तो बोली जाती है, लेकिन फिर भी नहीं आती। तो लेकिन हम लोगों ने बहुत इजीली कनेक्ट कर लिया उसको कि किस तरह से उन्होंने एक इमोशनल सॉन्ग को, चाहे वो जितने भी मार्टर्स हैं उनके सारे फोटोज़ भी दिखाए और फोटोज़ के साथ उसको कनेक्ट करा। अब वो चाहे वो ये बोल रही हो उसमें कि वो लोग चाहकर भी वापस नहीं आ सकते या फिर उनकी कोई कीमत नहीं है, सही में है ना। और जितने भी लोग
ने जो शहीद हुए हैं अपने मुल्क के लिए उसकी वाकई कोई कीमत नहीं है कोई भी। और जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए उन्हें सुन रहे थे उनको उस वॉइस के साथ कनेक्ट करना, वो भी सिर्फ एक 7 या 8 साल की बच्ची के लिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। डिड इट रियली वेल, वेरी वेल, उसने हर किसी को वहाँ पे इमोशनल कर दिया, सब रो रहे हैं। उसको कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात है कि आप गाना गा रहे हो वो भी ऐसे फीलिंग के साथ, और फिर उसके बाद वहाँ के लोग बैठे हुए रो रहे हैं, वो ऑब्वियसली उन लोगों को याद करके रो रहे होंगे, बट स्टिल बच्ची की आवाज़ में भी इतनी पावर है, इतनी इतना दर्द है कि वो किसी को भी कनेक्ट कर सकती है अपनी वॉइस के साथ। और जो हमने अभी तक हादिया हाशमी के जो 2 सॉन्ग सुने मेरा, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। इससे पहले जो था वो तो था ही अच्छा, लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा और अगर होता ना तो और अच्छा लगता सुनने में, काफी छोटा था, शायद हमें गलती से अगर छोटा वीडियो मिल गया हो, हम इंस्पिरेशन हाँ, बट 2 ही मिनट का था आई गेस, इतना ही होगा। हम लोगों ने काफी ज्यादा सर्च करा तो यही वीडियो हमारे सामने आई है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो, और डिटेल में अगर आप लोग बताना चाहें सॉन्ग के इसका क्या मीनिंग हो सकता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।